रहमानिर्रहीम रब्बी इशराही सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स बेटे, एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन, आई एम रीडिंग फॉर यू। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज नंबर ऑफ वर्कर्स एन। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड एवरेज नंबर डेज डी। ठीक है, तो इसका मतलब है एन और डी से डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल है। इफ कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज इज 2,86,000 देन फाइंड लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन एंड डी है, तो ये आ गया। ये साइन खत्म करके प्रोपोर्शन का के मेथड से इज इक्वल टू के आ गया, इक्वेशन वन बन गई। अब जो उन्होंने फर्स्ट सेट दिया हुआ है उसमें एन भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। इस इक्वेशन में आप पुट करोगे वैल्यू, यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर आके डिवाइड हो गए, के की वैल्यू आ गई 55/2। अब के की वैल्यू आपने, ये सारे सवालों में सेम चल रहा है, के की वैल्यू आपने वन में पुट कर देनी है। पुट इन वन, सी इज इक्वल टू के एंड डी, के की वैल्यू पुट की, यहाँ से आपके पास इक्वेशन टू बन गई। अब जो दूसरा सेट दिया हुआ था वो वैल्यूज पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। सी फाइंड करना है, एन भी गिवन है, डी भी गिवन है, ठीक है, के की वैल्यू तो वैसे ही है। पुट इन टू, सी इज इक्वल टू 55 एंड डी, 55/2 एज इट इज़। एन की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट की, इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2,97,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बेटे देखें, आई एम रीडिंग फॉर यू। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एस डब्ल्यू, सॉरी ग्रेट 10 बेटे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, आई एम रीडिंग फॉर यू। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मैस एम, मैस एम एंड द स्क्वेयर ऑफ इट्स वेलोसिटी वी, वी का स्क्वेयर। ठीक है, इफ द काइनेटिक एनर्जी वो आगे गिवन है 4320 फीट पर, व्हेन द मैस इज 45 lb एंड द वेलोसिटी इज 24 फीट पर सेकेंड, डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 3000 lb ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग 44 फीट बाय सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वेयर, इसकी जगह पे इक्वल्स टू और के मेथड से के, दिस इज इक्वेशन वन। जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है वहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, के की। ये देखें, ये हमने पुट की, यहाँ से के की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया, 24 स्क्वेयर का मतलब है 24 × 24, और यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया, के की वैल्यू होगी 1/6। अब ये के की वैल्यू 1 में पुट कर दें, ये के की वैल्यू 1 में पुट की तो इक्वेशन 2 बन गई। अब जो सेकंड सेट किया हुआ है वहाँ से आपने वैल्यू पुट फाइंड करनी है तो के की वैल्यू आ जाएगी। एम भी गिवन है, वी भी गिवन है, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। दिस वन 44 स्क्वायर मीन 44 × 44 1,936, डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक निकल आएगी 9,68,000 फीट पर lb। तो दैट वॉज द क्वेश्चन, यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन, दीज आर जस्ट हैविंग द सेम स्टेप्स, सेम प्रोसीजर, बट द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज डिफरेंट, सो यू बेसिकली नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी सम क्वेश्चन इन दीज क्वेश्चन। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।